मदन मोहन मालवीय जी का एक तरह से वह स्थापित किया हुआ शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जिसे राजनीति की दृष्टि से किसी को अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। जो जांच की प्रक्रिया है वह हो रही है और जो भी उसमें जांच में कहीं जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन BHU वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित माता सरस्वती का ऐसा मंदिर है जिसका भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम है। सर आज भी पूरा आरोप लग रहा है वहाँ के बीसी पर, आरोप जो लगा रहे हैं वो बौखला रहे। मैं उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देश प्रदेश में शिक्षा का वातावरण अच्छा से अच्छा हो, ये केंद्र सरकार भी चाहती है, प्रदेश सरकार भी चाहती है, और जो आरोप लगाते हैं उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार, मैं उनको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जांच के परिणाम स्वरूप ही कार्रवाई। सर आज कमिश्नर जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जांच रिपोर्ट शासन के पास आएगी तो शासन निर्णय लेगा। जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह सुधर गई है, अपराधी या तो जेल जाएंगे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएंगे, और अगर अपराध भी नहीं छोड़ेंगे और जेल भी नहीं जाएंगे तो उनको अभी भी एक महिला के सामने खड़ी हुई है जिसको न्याय के लिए भटका, अभी भी एक महिला खड़ी हुई है। कोई घटना मैं नहीं कहता हूं कि पूरा शून्य हो गया है अपराध, लेकिन कोई अपराध होगा तो उसमें कार्रवाई जरूर होगी। मंत्री आपके आने से पहले के कार्यकर्ताओं को यहां नजरबंद कर रखा है। ठीक है, देखिए ये राजनीतिक दृष्टि से जो फर्जी शिलान्यास का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले अगर फर्जी मतलब श्रेय लेने की कोशिश करते हैं तो जो भी मतलब इस प्रकार की कोशिश करता है उसमें जो आवश्यक होगा उसमें प्रशासन अपना कार्रवाई करता है, लेकिन हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर के व्यापक विकास करना। धन्यवाद।